तसल्ली से जाना, कैसे जाओगे? आ गई कैब? मम्मी और पापा को लेने के लिए लोग जा रहे हैं। उनका एक्चुअली 4 बजे निकलना था, पर पता ही नहीं चला टाइम का। अब हो रहे हैं सुबह के 5। ये कहाँ से उठ गई? सो जा। तो ये मैडम हमारे साथ ही उठ गई है, अब इसको लेके बैठना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो मैं छोटा मोटा वीडियो बना लेती साथ के साथ। तो ये मैडम हमारे साथ ही उठ गई है, तो ये अब मेरी गोदी में है, बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। तो पापा को तंग करेगी अपने पापा के साथ जाने के लिए। तो यहाँ से जो मोर्चा है वो उसके पापा संभालेंगे वीडियो बनाने का, और मम्मी पापा को लेकर के आएंगे आज। वो नीचे चले गए। मुझे पता था ये इधर से ही गाड़ी जाएगी। मुझे पता था तो वो गए मम्मी पापा को लेने के लिए। तक मैं इसको गाड़ी कैसे सुपट गया पता नहीं, ठंड बेबी थोड़ी थोड़ी हो रही है गली में। नई दिल्ली अजमेर जंक्शन शताब्दी मम्मी पापा कैब में बैठ गए। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने शूट कर पाए होंगे कि नहीं, क्योंकि टाइम मिला होगा कि नहीं मिला होगा उनको शूट करने का। और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि तन्नू को जो है कॉलेज भी जाना है। और मैं मम्मी के लिए वैसे लाल साग बना रही हूँ। मम्मी के लिए खाना जब वो लोग आ जाएंगे ना तब मैं बनाऊँगी अच्छे से, कि मम्मी को क्या खाने का होने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको जो खाने का मन होगा उस हिसाब से खाना उनका बनाऊँगी। और चलो पहले खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि तन्नू लेट हो जाएगी फिर कॉलेज के लिए। अरे रो के रहे हो सुबह, अरे सुबह सुबह नहीं रोते हैं, रो मत, सुबह सुबह रोना अच्छा नहीं होता। हाँ खा लेते कहाँ जा रही है? अब गाँव में
उस टाइम पे मतलब इनको लग रहा था लेट हो जाएंगे ये, पर ट्रेन लेट हो गई। मैंने कहा था ना लेट हो जाएगी ट्रेन, मैंने इनको बोला ही था कि ये लेट हो जाओगे, क्या कहते हैं पापा की ट्रेन लेट हो जाएगी, आप नहीं लेट हो गए। फाइनली मम्मी और पापा दिल्ली आ गए हैं और इस बार का उनका गांव का ट्रिप बिल्कुल कुछ खास नहीं रहा। गांव भी इसलिए वो गए थे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि जनवरी से उनकी ना कंटिन्यूसली तबीयत खराब चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए बोला था उनका। तो यहाँ से वो ठीक होके गई थी और 10 दिन वो गाँव में ठीक भी थी, फिर अचानक से उनको टाइफाइड हो गया, ब्लड की कमी हो गई, फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, तो वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस गाँव के ट्रिप में। फिर पापा की तबीयत खराब हो गई गाँव दिल्ली आने से 2 दिन पहले। नीज कट कर लिया आपने? हाँ। वेरी गुड। सबको बताओ आपने क्या किया अभी? नाखून कटवा दिया मैंने। नाखून कटवा लिया? हाँ। कौन आया है निहल? कौन आया है निहल? दादू दादी और पापा। तो मम्मी मैं ट्यूशन गई थी कल। अच्छा ठीक है, तो फिर ना मम्मी की फिर ठीक है ओके। तो क्या दिखा रहे हो? मैं बताती है। हाथी है? हाँ। दादी को दिखा कर आओ तो। हाथी आपका? अपनी दादी को पाउच दिखाया अपना? दादी को पाउच दिखा कर आओ, जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से बेटा, जाओ तो एक बार। ठीक है बेटू? हाँ। जाओ दादी को पाउच दिखाओ। तो फिर उनका मतलब ऐसा रहा कि उनका ट्रिप पूरा का पूरा तबीयत खराब में ही निकला है, तो हम लोग बस सोच रहे थे जल्दी से जल्दी वो दिल्ली आ जाए। दिखा दिया? अभी आप 2 मिनट बाहर रुक जाओ, तो 2 मिनट ठीक है। तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी टाइम निकले, क्योंकि उनकी टिकट ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी उनका टिकट ना मतलब हम लोग यहाँ से करवा के ही गए थे, मतलब भेजा था उनको कि 1 महीने ही रहना है, पर वो 1 महीना भी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सा हो गया था उनकी तबीयत खराब होने की वजह से। तो जब वो आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, मैं तो घड़ी पे ही नज़र थी मेरी कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। फिर तनु रोने लग गई, तो मैंने इसलिए उसको शांत कराने की कोशिश किया कि मम्मी कहीं ना रोने लग जाए, तो इसीलिए मैं बोल रही थी सुबह सुबह रोना अच्छा नहीं होता। वैसे भी एक्चुअल में रोना सुबह सुबह अच्छा नहीं होता, और अगर मम्मी रोती है तो फिर वो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है उनकी, या फिर वीकनेस। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब उनको डॉक्टर को कंसल्ट कराएं, और देखो कल ही मैं उनको लेके जाऊंगी जो डॉक्टर के पास, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे उनको और भी ज़्यादा मतलब दवाइयों की असर हो सके और वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरा जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और जल्दी जल्दी कॉमेंट करें, और जिनके कॉमेंट अच्छे होंगे टॉप 3 में होंगे मैं उनके नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉमेंट करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय गाइज़।